मुरादाबाद थाना मंझोला के इलाके मंझोली निवासी सुनील कुमार का बेटा अंकित बाजार से घर वापस लौट रहा था, तभी उसे पड़ोस के ही युवक दीपक शर्मा ने घेर लिया और चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसे घायल कर दिया। घायल अंकित ने बताया कि वह हाई स्कूल का छात्र है और हमलावर दीपक उससे रंजिश रखता है, इसलिए उस पर हमला बोल दिया। घायल अंकित थाना मंझोला पहुंचा और शिकायत पुलिस से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने घायल अंकित का मेडिकल परीक्षण कराकर कार्यवाही शुरू कर दी है। घायल अंकित की गर्दन पर लंबा निशान साफ नजर आ रहा है। दीपक शर्मा क्या मारा है ये? चाकू था, कुछ और था? चाकू थी, वही फोल्ड करने का बड़ा होता है, फोल्ड करने वाला। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ तुम्हारा? सर मैं घर से निकल रहा था अपने, उसने मुझे दारू पिया हुआ था, उसने बुलाया, गाली गलौज हुई, फिर उसने मुझे रेड का मार दिया, मैंने भी अपने बचाओ में। क्या काम करते हो तुम? मैं से पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? वो जिन्हें मारा है क्या नाम है उसका? दीपक शर्मा। वो क्या करता है? चोर है। कहाँ रहते हो आप लोग? मैं मंझोली का।